और ये अकबाल टाउन में फिश पॉइंट है एक बहुत प्यारा सा, आप नाम सामने देख रहे हैं। तो इन भाई से थोड़ा सा मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ कि इनके पास बर्ड फिश और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, तो भी मैं इनसे इजाज़त ली है। तो बड़े हाकमुख से प्यारे से इंसान हैं, तो उन्होंने मैं बाहर से पहले आपको मैं उनकी शॉप का ये दिखा रहा हूँ, ये मंज़र इन्होंने अंदर ये चीज़ें रखी हुई हैं मुकम्मल। ये इनका मोबाइल नंबर है हर चीज़ का, ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने फ़िश फाली हुई हैं, हर तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, और उन फिश ऐसी ऐसी फ़िश जो आज तक मैंने नहीं देखी, तो भी और इनसे मिलते हैं, ये आपको मुकम्मल बताएंगे। आपका भाई प्यारे भाई क्या नाम है? मेरा नाम है असलम खान। असलम खान भाई, असलम खान भाई, आपने इतनी सारे ये फिश पाली हुई हैं, ये इतना प्यारा सा ये चीज़ें रखी हुई हैं, पीछे इनकी खुराक भी रखी हुई है, और ये क्या शौक कहाँ से पाल लिया आपने? ये शौक तो मेरे बॉस का है, शौक मेरे बॉस का है। अच्छा जी। उसने जब वो 22 साल की उम्र में था उसने शौक पाला है। अच्छा जी। शॉप को 45 साल हो गए हैं। आपकी इस शॉप को 45 साल हो गए हैं। 1977 को ये ओपन शॉप ओपन हुई थी। 1977 को ये ओपन हुई थी। आप आएंगे जरा मुझे फिश का, जरा ये इस फिश का क्या नाम है? डायमंड गोरी। अच्छा, ये यानी के इसी चीज में है, वेजिटेरियन है ये, वेजिटेरियन है। अच्छा, वेजिटेरियन है यानी कि ये गोश्त खाने वाली है, गोश्त के साथ नहीं रहती है, गोश्त के लिए सब्जी, यानी कि आम खुराक जिस तरह हम डालते हैं वो चीज़ पे नहीं, ये गोश्त खोर मछली है, गोश्त खोर नहीं, इससे आगे आ जाते हैं। ये छोटे छोटे एक्वेरियम से आपने बनाए हुए हैं, ये एक मछली है, सुना कि ये ब्लैक है, ये इससे बच्चे भी छोटे छोटे दिए हुए हैं। ये बैलून है, ये एक्वेरियम में ही ब्रीड करती है, ये एक्वेरियम में ब्रीड करती है। जी जी। कुछ ये नस्ल होती है ये एक्वेरियम में ब्रीड नहीं करती, ये पाउंड में ब्रीड करती है। अच्छा अच्छा, ये प्रोन में ब्रीड करती है, पाउंड में। ये देखिए शकिंग है इसका नाम। अच्छा, ये शकिंग है, शफ्टिंग। अच्छा ओके, इसके साथ ही आ जाते हैं ये। जी जी, इसमें कई नस्लें होती है जो आपस में साथ रहती है। सर ये तो इस तरह कुछ लग रहा है जैसे व्हेल मछली सी होती है ये वाली। ये सखर फिश है, इसका काम होता है ये शीशे में जो एलजी लगी होती है ना ये खाती है शीशे को, यानी कि शीशे को फफूंदी अगर गंदगी है तो वो साफ कर वो लेगी, खाती रहती है। अच्छा, नीचे ये आ जाते हैं, इसने भी कोई ये रेड सी, फाइटर है, ये फाइटर फिश है, इसके साथ ये वाली ये भी फाइटर है, ये भी फाइटर, ये आपस में नहीं रहते। अच्छा, यानी कि एक दूसरे के वो मुखालिफ है, ये एक भी सबके साथ रह लेता है। अच्छा, सब मछलियों के साथ रह लेता है। हाँ। ये आपस में नहीं रहते, जबकि सीर मुर्गा आपस में लड़ता है ये उस तरह लड़ते हैं आपस, यानी कि नर और मादा अगर रहेंगे तो ये आपस में लड़ेंगे, नहीं नर मादा अगर, जी जी, मेल मेल नहीं रहेंगे, मेल मेल नहीं रहेंगे, इससे आगे आ जाते हैं। इसके बारे में कुछ आप सीखा रहे? ये भी शपकिंग है, शपकिंग जी। अच्छा, ये देखिए ये फाइटर है। अच्छा, ये वो फाइटर है जिसको आपने, फाइटर है ये, कॉम्बो फाइटर है, कॉम्बो, हाँ दादी ये थोड़ी सी ऊपर चली गई, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉम्बो फाइटर है जिनका भाई ने बताया। और नीचे सर ये डायमंड को, ये वाइट वाली, ओ वाओ क्या बात है, ये क्या बात है, वो साइज उसका वो बड़ा साइज है, ये छोटा साइज दादी, ये देख रहे हैं कि ये भाई ने किस सन से लेके इनके बास ने ये वीडियो, यानी कि वीडियो कह रहा हूँ कि शॉप खोली हुई है, ये उनके ओनर है, ये मेरे प्यारे भाई, इनसे मैंने बकायदा इजाज़त लिया, इनको दुआओं में याद रखिए कि इस तरह की चीज़ें भी हमारे लाहौर में हैं, हम जो इस तरह की फेमस शॉप हैं उनको हमें एक्सपोज करना चाहिए, आवाम के सामने लाना चाहिए। ये भी नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो नीचे बहुत कुछ है। अच्छा भाई, ये अब इनका क्या है? ये शकिंग का बड़ा साइज है, ये शकिंग का बड़ा साइज है, छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, वो ऊपर वाला छोटा साइज है, ये बड़ा वाला साइज है, और ये गोल्डन कोई है, गोल्डन लॉन्ग टेल कोई, ये हाँ जी, ये वाली, हाँ जी, लॉन्ग टेल कोई, लॉन्ग टेल कोई, और ये वाली, ये भी शकिंग है, ये भी शकिंग है, ये भी शकिंग है, ये भी शकिंग है, इसके साथ भी कुछ और है, मिक्स गोई है, ये मिक्स गोई है, नाज़रीन देख रहे हैं ये मिक्स गोई है, इतनी इकसाम है मैं तो हैरान हो गया, इनको नाम याद है मुझे नाम भूलने शुरू, अब इस तरफ क्या है, वाओ ग्रेट, ये वेसम। अच्छा, ये यानी कि हाथ ऊपर करने से जिस तरह आएगी, ठीक है, इसे ये टेम्परेचर भी आपने लगाया हुआ है, ये इनको हीटर की जरूरत होती है। अच्छा, इनको हीटर की जरूरत होती है, सिल्वर शार्क है। अच्छा, वो शार्क भी अंदर रखी हुई है, नाज़रीन ये देखें शार्क भी हैं आपको नजर आ रही हैं,
इनको हीटिंग की जरूरत होती है, बकायदा इन्होंने पबाइना लगा लाया हुआ है। और ये भी जी जी वो कह रहे हैं कि खास आपको एक मैं मछली का कुछ तरीका बता रहा हूँ, आप देखें ये क्या तजर्बा करते हैं। छुपना पसंद करती है, ये खुद ब खुद निकल जाएगी। अच्छा वो मछली छुपी हुई है, फीड डाली है इन्होंने, और वो कहीं भी छुपी हुई है वो निकल आएगी, वो फीड खाने के लिए ऊपर आ जाएगी। वो उसके पीछे देख रहे छुपरी, वो देखे वो लकड़ी के बीच, वो देखे लकड़ी के अंदर एक छुपी हुई। ये मेरे पॉइंट पे अंदर इसे जब स्मेल आनी है भाई बता रहे हैं कि ये ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी। सर ये तो मैंने सी में बड़े समंदरों में चीज देखी है, ये इसकी लय सी हॉर्स है, सी हॉर्स है ये सी हॉर्स है जी जी जी। ओह गुड वेरी गुड। एंड वो देखें उसे हल्की सी खुशबू आ रही है, आप देख रहे होंगे वो रेनबो शार्क है, ये रेनबो शार्क है। इसके अलावा ये दूसरी शार्क भी है डेंजरस किस्म की, टेम्परेचर लगा हुआ है, सिल्वर शार्क डेंजरस शार्क, वो देखे वो आ गई है, वो देखे ब्लू कलर की आ गई है भाई, ब्लैक कलर सॉरी ब्लैक, ये ब्लैक गोस्ट, वो देखें ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फीड डाली है, ये छुपी रहती है, जहाँ पे भी ये छुपी होगी ये बाहर नजर आ जाएगी। ये मुकम्मल आपको मैं इनका एक्वेरियम दिखा रहा हूँ। इसके अलावा इन्होंने साइडों पे देख लें ये मुकम्मल चीज़ें, इधर भी फिशिंग, मतलब कि टोटल ये ऐसा एक्वेरियम है जो कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे लोगों की नज़रों से ओझल है।